क्योंकि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल में लगातार सक्रिय हैं और सक्रिय हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि सिंधिया जी को राजगढ़ यानी दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में उतारा जाएगा और दोनों के बीच में जो एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तब पता चलेगा कि राजा या महाराजा में से कौन श्रेष्ठ है जनता के बीच में। जहां तक बीजेपी की बैठक, बीजेपी इस तरीके की बैठकें लगातार करती रहती है। बीजेपी हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता उनका मूल मंत्र है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में और बीजेपी में साल भर कार्यक्रम चलते हैं ताकि कोई भी फ्री ना रहे। फ्री होगा तो कहीं ना कहीं और उसका दिमाग डाइवर्ट होगा, इसलिए कार्यकर्ता को लगातार काम में लगा रखा जाता है। लेकिन एक जो कमी 2018 के चुनाव 13 और 18 के बीच में जो भाजपा में सबसे बड़ी कीमत लगी थी, वो सरकार में मंत्रियों का जिस तरीके का रवैया हो गया था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का तिरस्कार, उपेक्षा, संगठन की उपेक्षा हो रही थी, उसको दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद चल रही है। इसलिए आप देखिए सारे नए लगता है कि बैठक पर बैठक चलते जा रही है, सम्मेलन। मैं 30 सेकंड में लौट रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद राम जी आपके पास आएंगे और विनय सक्सेना जी जो सवाल उठा रहे हैं कि ये कार्यक्रम से क्या जनता आपसे खुश होगी, कैसे जनता आपसे जुड़ेगी, जल्द हाजिर हो रहे हैं 30 सेकंड में, साथ में रहेगा तीनों मेहमान। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। राम दांगोरे जी हमारे साथ में हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारियों के महामंथन पर, महाबैठक जो राजगढ़ में हुई उस पर। राम जी पूछ रहे हैं विनय जी कि भाई 71 धार्मिक स्थलों पर आयोजन करना या एक उपवन बना के 71 पौधे लगा देना, क्या इससे जनता खुश होगी? क्या बीजेपी कार्यकर्ता को तो आप काम दे रहे हैं, लेकिन वो सवालों के जवाब कहाँ है जो विनय जी पूछ रहे हैं और उनके साथ जनता पूछ रही कि महंगाई के मुद्दे पर आप कैसे जनता को समझाएंगे, बाकी मुद्दों पर आप कैसे समझाएंगे? जी राम जी, और इनके बोलने के बाद में फिर मुझे बोलने दिया जाए। पहला इन्होंने रखा कि बैठक वाला मुद्दा, बैठक करते हैं तो क्या आप लोग बैठक नहीं करते, आपकी पार्टी नहीं है क्या हम बैठक नहीं करें, हम सिर्फ घूमते रहे, हमारी पार्टी को मजबूत नहीं करें क्या, हम जन्मदिन नहीं मनाए, तुम इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जन्मदिन मनाते हो तो क्या हम नहीं मनाए, ये सब छूट केवल कांग्रेस वालों को है। दूसरा इन्होंने महंगाई का विषय रखा, तो महंगाई में पेट्रोल और डीजल के आज आप रेट चेक कर लीजिए, ये रेट वही है जो कमलनाथ जी तय करके गए थे, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं। इनकी बुद्धि कमजोर है और ये कहते हैं कि उलझल बातें कर रहा है, इसको कोई भी विषय दे दो तो ये बहस नहीं कर पाएगा। आप दीजिए ना, आइए आमने सामने, कौन से टॉपिक पे आपको बहस करना है। रही बात पौधे पर, इन्होंने कहा क्या हम लोग पौधारोपण नहीं करें, क्या हम लोग प्रकृति का विकास नहीं करें, सिर्फ जमीन पे घूमते रहे। अगर हम प्रकृति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेसियों को इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? फिर उन्होंने केडर ऑर्गेनाइजेशन पे आपत्ति उठाई। अरे भैया, हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के कारण चलती, इसलिए हम केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते और 50 बार बोलेंगे। कांग्रेसियों को बुरा लगे तो 50 बार बुरा लगता रहे। ये दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, अगर दिग्विजय सिंह अच्छे होते तो आज तक उनकी सरकार चलती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। इनके कारनामे ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन करके भेजा और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के नाम के पीछे जी लगा करके बात करते हैं, उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो इनको सक्सेना जी को, इनके जो दिग्विजय सिंह जी है इनको उसमें काजी साहब के सुनाई देते हैं कि देश विरोधी नारे दिग्विजय सिंह को सुनाई नहीं देते। उज्जैन वाले मामले में दिग्विजय सिंह के कान भेरे हो जाते हैं और ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी अच्छे हैं, हमारे नेता को उलझल बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमारी पार्टी है, हमारी अपनी रीति नीति है, हम कांग्रेस से पूछ करके थोड़ी बताएंगे कि भैया हमको बीजेपी में ये करना है। कांग्रेस की उनकी अपनी स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल में काम करें, हमारी अपनी स्टाइल है, हमारी अपनी परंपरा है। ठीक है विनय जी, नहीं सही, हम पूछ रहे हैं कि ये जो धार्मिक आयोजन का फैसला है, ये क्या फिर से और हिंदुत्व को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है क्या? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि वो सेकुलरिज्म की राह पर बीजेपी चल रही है, लेकिन फिर अचानक से शायद डाइवर्ट करना पड़ा कि नहीं नहीं, हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे और 71 धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम भी होंगे, इसको हम कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में सर्व धर्म संभाव है। हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे
एसटी एससी ओबीसी सबके लिए स्पेशल मोर्चे बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी नेता छूटना नहीं चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको अपना सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं। ये इनके जैसे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया और वहां जब न्यायालय में खड़े होने की पारी आई तो इनका जनरल एडवोकेट वहां पर खड़ा नहीं हुआ। जनता को बेवकूफ कमलनाथ ने बनाया, दिग्विजय सिंह ने बनाया। आप सारे मुद्दे आज इसी डिबेट में कर देंगे, पाकिस्तान से लेके ओबीसी और सब जगह घुमाए राम जी। मैं आता हूँ आपके पास में, विनय जी के कमेंट ले ले। विनय जी तो वो कह रहे हैं कि भाई क्यों आप इतना, हमारा कार्यक्रम है, हमारी बैठक है, हम तय कर रहे हैं हमारे मुद्दे, और कांग्रेस क्यों में राधिका जी। विनय जी आपसे सवाल ये भी कि बीजेपी में जहां फिर से बैठकों का दौर गंभीर चिंतन मंथन शुरू हो गया है, कांग्रेस कहां है जी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैंने पूरे शब्दों को फिर से चेक कर लिया, कहीं नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बैठक करने का हक नहीं। लोकतंत्र है इस देश में, इस देश में तानाशाही व्यवस्था तो इनके नेता फैला रहे हैं। दूसरी बात, मैंने उल जुलूस शब्द का नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द यूज नहीं किया। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में इस तरह के शब्द उपयोग करूँ। डागोर साहब की जो संस्कृति है और इनकी जो पार्टी की संस्कृति है, जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, मुंह चलाना ही भर तो है। दिग्विजय सिंह जी के लिए जिस ढंग से शब्दावली यूज कर रहे हैं, और एक बात अच्छे से समझ लें, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के नेता, कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की और राष्ट्रीयता की सर्टिफिकेट कांग्रेस को किसी से लेने की जरूरत नहीं है। जिनने स्वतंत्रता संग्राम से सिर कटाए हो, और सुन लो, कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आप लोग इस तरह की बातें करके उल जलूल शब्दावली उपयोग कर रहे हैं, इस देश को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे हमको तुमको कहना ही नहीं है भैया, जिसके लिए मैं झगड़ा होगा देश के लिए वो मरेगा नहीं, तुम देशभक्त है। देखिए देशभक्त की जरूरत नहीं हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेने की। और एक बात, हम तुमको सर्टिफिकेट क्यों देंगे भैया? नहीं, अंदर शब्दावली उचित नहीं, मेरे को आपत्ति है इस पे। आप जिस तरह से पाकिस्तान आकिस्तान करते, देश में कांग्रेस ने एकता अखंडता के अपना खून बहाया, इंदिरा जी का खून बहा, राजीव जी का खून बहा, एकता और अखंडता के नाम पे बहा। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माननीय डागोर साहब, मैं आप तुमको दे नहीं रही है, तुम कौन सी बात कर रही हो आपकी, मुझे नहीं नहीं सर्टिफिकेट और आप भी नहीं है, कम से कम मेरे डिबेट में बीच में ना बोले, और नहीं तो मैं डिबेट से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है राम जी, आपकी बारी आएगी। जी जी राम जी, आपकी बारी आएगी। तो मैं कह विनय जी, मैंने इनने बोला एक शब्द नहीं बोला। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है विनय जी, मैं मुद्दे पर आ जाऊँ, मैं मुद्दे पर आ जाऊँ। देखिए बीजेपी तो अपने संगठन पर्व के जरिए और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी खूब आयोजन करे, खूब बैठक करे, लेकिन प्रदेश की जनता, एक शब्द इन्होंने और कहा कि कमलनाथ जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश को आप कमलनाथ जी के हाथ में प्रधानमंत्री रख के बात कर रहे हो क्या? प्रदेश में थे मुख्यमंत्री वो, इस देश में एक्साइज जो ड्यूटी है, इस देश में जो आपका जीएसटी लगाने का काम है, एक देश एक राज की बात करने वाली पार्टी ने आज तक पेट्रोल डीजल गैस और रसोई गैस पे आज तक क्यों नहीं जीएसटी लागू किया? ये इनकी नियत। हम हालांकि संगठन की बैठक की बात कर रहे थे, मुद्दा ये नहीं है विनय जी, बोलना पड़ रही भाई साहब। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस क्या अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम तय करने वाले? एक अलग कार्यक्रम लगातार चल रहा है, हम लोग बहुत नीचे स्तर पे, लेकिन ये हम इस तरह से इस आयोजनों को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। लेकिन अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत नहीं होते, तो साथ में से इनकी इतनी लहर वहर के बावजूद चार अधिकतर विधायक हमारे हैं, और इन्हीं के जिन सिंधिया जी की आप अभी बात कर रहे थे, वो खुद ही माननीय केपी सिंह जी से, जो एक जमीन के नेता है, केपी यादव जी, केपी यादव जी से चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे, और उस समय ये उनको किस ढंग से उनने उनके सम्मान में क्या कमी की थी, ये भी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कर रहे थे। केपी यादव जी का क्या सम्मान रखा था सिंधिया जी ने, सबको पता पूरे प्रदेश को, और पिछड़े जाति का एक इनने और छूट बात बोली, इनके महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जवाब नहीं दिया, और ये आरोप लगा रहे कांग्रेस के ऊपर। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले डिबेट में ये कागज की बात करें, ये कागज लाएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा हाईकोर्ट के, ये और उसके बाद सिद्ध करके बताऊंगा कि ओबीसी को किसने छला, आदिवासियों को किसने मर्डर किया नीमच में, वहां पे हमारे जो ठीक है। खैर मुद्दा नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया विनय जी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट में ले लो सुशील जी से। सुशील जी, तो बीजेपी तो देखिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम ले आई है, कांग्रेस कह रही कि हम ऐसे प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है, कैसे देखते हैं ये जो तैयारी है 2023 के मिशन पर? निकल गई है बीजेपी, सही ट्रैक पकड़ लिया है कि हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, नमो उपवन भी बनेंगे, और हर 7 तारीख वन उत्सव भी होगा, तमाम चीजें, ये आज कार्यक्रम तय, ये शेड्यूल तय हो गया एक साल के लिए, कैसे देखते हैं सुशील जी? मैंने बताया ना कि बीजेपी दरअसल ये सारी कवायद, मैंने पहले भी बोला है कि 2018 के चुनाव की हार के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, उसके बाद से
बीजेपी ने बहुत बड़ा सबक लिया, सरकार जरूर बना ली है उन्होंने सिंधिया जी के आने से, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच में वापस संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हर तरीके के सामाजिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, वो धार्मिक उसमें भी कोशिश कर, आर्थिक स्तर पर भी जो किया जाएगा। और आप देखिए पुरानी जो सत्ता और संगठन के बीच में कार्यकर्ता के समन्वय के लिए दीनदयाल समितियां, अंत्योदय समितियां, वो सारे काम जो है बीजेपी कर रही, ताकि कार्यकर्ता की जो उपेक्षा का भाव था वो उसमें अब खत्म हो। और दूसरी बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की तैयारी कितनी है ये इससे समझ में आता है कि पिछले साल जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, कायदे से वो चुनाव सरकार बनाने और सरकार हटाने का चुनाव था, कमलनाथ के लिए वो चुनाव विधानसभा चुनाव ही था, लेकिन उसमें वो असफल रहे। उनका कमलनाथ जी का परीक्षा परिणाम 33% रहा, इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। दमोह की जो जीत है वो कोरोना के लहर के दौरान हुई है, लेकिन क्या उस मनस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता या वोटर लगातार बीजेपी को तिरस्कृत करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से जो है मूव कर रही, जनता की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस वो संवाद करने की कोशिश थी, लेकिन कांग्रेस एक अलग अलग, कांग्रेस का स्टाइल अलग है, वो आदिवासी में अलग जा रही है, वो दलित में अलग जाना चाह रही है, लेकिन एक समग्र आजाद, आप देखिए आदिवासी के इतने बड़े मंच पे क्या कांग्रेस के अजय सिंह दिखे आपको, क्या कांग्रेस के अरुण यादव दिखे, क्या कांग्रेस के सुरेश पचौरी दिखे क्या? तो ये नेताओं के बीच में एक बड़ा नेता खोने के बाद भी कांग्रेस की आपसी फूट कम नहीं हो रही है। कमलनाथ जी को बड़ा दिल दिखाना होगा, अभी यदि अजय सिंह घर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, उनको आपको मंच पे लाना पड़ेगा। देखिए भले बीजेपी उनके उनके क्षेत्र में चुनाव हार गए, वो नेता का कद कम नहीं होता है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वो उपेक्षा का भाव। लेकिन कांग्रेस को अपनी इसी स्टाइल पर गर्व है, और विनय जी अब तमाम नेता जब भी हम पूछे बोलते साहब हम अपनी स्टाइल से काम करते हैं, और शायद इसी स्टाइल से कांग्रेस आगे भी चलेगी। बहरहाल मैं नहीं ले पा रहा हूँ कमेंट राम जी आपका भी और विनय जी आपका भी, लेकिन अगली चर्चा में जो कह रहे हैं विनय जी हम फिर जोड़ेंगे किसी मुद्दे पर आप दोनों को साथ में। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने देखिए एक साल के लिए कार्यक्रम तय कर दिए, बहुत अहम कार्यक्रम है, हर जिले में कार्यकर्ता को और हर मंडल स्तर तक उपवन बना, नमो उपवन बना करके बीजेपी, और इसके साथ साथ सामाजिक हर बूथ पर भी सामाजिक अभियान चला करके बीजेपी ने अपना शेयर रूपरेखा तय कर ली है। कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, या किस तरह क्या वो जनता की नाराजगी तमाम मुद्दों पर दूर कर पाएगी, क्या बीजेपी के साथ फिर जनता खड़ी नजर आएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। और कांग्रेस इन कार्यक्रमों का जवाब कैसे देखती, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहे डीएनएन न्यूज़। नमस्कार।